गाइस ऑल सेट टू अनवील आवर न्यू पीस जो कि इधर पे खड़ा हुआ है गाइस और देखो सबको इधर पे देखिए आप लोग गेस कर लेना। वैसे तो गाइस आप लोगों को टाइटल थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि ये कौन सा बाइक है क्या है नहीं है। जो मेरा निंजा जो है ना वो तो नॉर्मल व्लॉग है ठीक है बट अपलोडिंग में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है बट इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा। रोड क्लास में जो मेरे सगे थे आज भी साथ हैं अब मिलियंस ऑफ व्यू। हेलो गाइस गुड आफ्टरनून एंड अभी हम लोग रेडी वेडी होके एकदम से जा रहे हैं मैं और दिवाकर बीएमडब्ल्यू बाइक का डिलीवरी लेने के लिए गाइस। तो बीएमडब्ल्यू का कौन सा मॉडल है वो तो गाइस मैं उधर पे जाके आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड टाइटल हमने देखे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा बाइक है क्या है नहीं है हम लोग को गाइस लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं है। और आज का अभी का वेदर देखो एकदम अच्छा होकर रखा है और फटाफट गाइस अभी इधर से निकलेंगे तो कहाँ पे जा रहा हूँ बाइकर्स गैलरी जा रहा हूँ एंड जाते जाते रास्ते पे बहुत सारा सीन भी होने वाला है गाइस। सो फटाफट अभी निकलते हैं इधर पे हेलमेट गोप्रो इधर पे रेडी है मतलब गाइस मोटो ब्लॉग तो होना ही है मोटो ब्लॉग के अलावा जो है ब्लॉग एकदम आधा अधूरा रह जाता है। सो चलो फटाफट नीचे चलते हैं एंड एनएस को भी मैं एकदम से रेडी कर लिया हूँ फिर जब नया डोमिनर आया उसके बाद दिवाकर ने भी अपना चैनल ओपन किया तो आप लोग उसका चैनल भी जाकर थोड़ा सा देखना उसका ब्लॉग भी काफ़ी अच्छा होगा और कुछ साउंड आ रहा है गाइस। तो निकलते हैं फटाफट इधर से इधर पे मैं आप लोग को व्हाइट बीच को दिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोग का मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाइट बीच को आपने क्या किया तो व्हाइट बीच गई कहीं भी नहीं गया है व्हाइट बीच एकदम इधर पे देखो मास्क एकदम सच धच के एकदम इधर पे खड़ा हुआ है और विश्वकर्मा पूजा था तो उसी के लिए पूजा थोड़ा हुआ था बाइक पे और देखो एकदम से मस्त लग रहा है बाइक तो इसको लेके भी निकलना पड़ेगा। बट गाइस वही है मैं और जी वगैरह भी जा रहा हूँ डोमिनर पे तो डोमिनर बाहर पे रखा हुआ है। सागर भाई इधर पे कहाँ जाना सागर भाई बास्केटबॉल प्रैक्टिस में जा रहे हैं मतलब गाइस सब अपना अपना काम पे बिजी है। और इधर पे देखो गाइस इधर पे रखा हुआ है अपना पैंथर जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है एंड काफ़ी सही लग रहा है गाइस बाइक देखने में। और देखो विश्वकर्मा पूजा का दिन हर एक बाइक को एंड स्कूटी को भी पूजा किया गया था तो कैसा लग रहा है सागर भाई इसका ये माला कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है अच्छा लग रहा है ना। तो दिवाकर भी आ गया और बाइक का चाबी मैं भूल गया था ऊपर देखो गाइस देखो 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 यो को देखो वो मतलब रहता है इधर उधर घूमते रहता है। तो चलो गाइस अभी फटाफट निकलते हैं एंड मिलते हैं आप लोग से मोटो ब्लॉग पे। आज शायद से बाइक का एक महीना हो गया मतलब लास्ट मंथ को इसी डेट पे बाइक आया था घर पे और बाइक का एग्जॉस्ट नोट आप लोग को थोड़ा सुना देते हैं गाइस। ओहो क्या एग्जॉस्ट नोट है। और जब से गाइस ये डोमिनर घर पे आया तब से मैं एनएस 200 लेके थोड़ा कम ही निकल रहा हूँ तो उसी के लिए स्टोरी वगैरह में आप लोग को एनएस नहीं दिख रहा है शायद से उसी के लिए आप में से बहुत कोई ऐसा भी कमेंट कर रहे हो कि एनएस 200 कहा गया व्हाइट बीस्ट कहा गया आपका आपका एनएस को आप कहीं बेच नहीं दिए ना तो उसी के लिए गाइस मैं आप लोग को अपडेट कर देता हूँ कि कहीं नहीं जाएगा व्हाइट बीस्ट रहेगा घर पे ही और उससे भी आगे बहुत सारा टूर तो करना ही है। और ये डोमिनर अभी नया है इसमें भी थोड़ा हाथ वाथ सेट करना है उसी के लिए इसको लेके आजकल थोड़ा ज़्यादा ही घुमा घूमी हो रहा है। ये जैम से निकलता हूँ गाइस और आप लोग से मैं मिलता हूँ हाईवे पे। ओके तो जी हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे और अभी हम लोग जाएंगे इधर से टुवर्ड्स मेडिकल क्योंकि मेडिकल का तरफ ही है बाइकर्स गैलरी। इस बाइक को चला के मेन जो मज़ा है वो आता है हाईवे पे तीन गियर में आपका 4000 आरपीएम का बाद ये बाइक जो चलता है जब आप डोमिनो 400 का ये मॉडल को राइड करोगे ना तो आपको उतना भी कुछ मज़ा नहीं आएगा उतना भी पावर फील कुछ नहीं आएगा बट इसका प्योर एग्जॉस्ट नोट तभी निकल जाएगा जब ये हाईवे पे दौड़ता है और तब इसका फील जो है गाइस आप और भी अच्छा से ले पाते हो। बाकी इसका ब्रेक जो है गाइस रियली अमेजिंग। ओ भैया क्या कर रहे हो आप पीछे देख थोड़ा पीछे देख के कीजिए भैया। तो देखा गाइस जैसे कि हम लोग भी निकल रहा था उसी टाइम पिकअप नहीं देख के यार कैसे निकल गया। जो लोग यार थोड़ा बड़ा गाड़ी चलाते हैं उन लोग को थोड़ा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए यार। इस बाइक का सबसे अमेजिंग सा जो चीज है मेरे को लगता है इसका ब्रेकिंग। और टू बी ऑनेस्ट गाइस मैं अभी तक कभी भी बीएमडब्ल्यू का कोई बाइक को अभी तक चलाया नहीं था बट फर्स्ट टाइम आज बाइक का डिलीवरी लेंगे एंड बाइक को चलाएंगे भी। सो मच एक्साइटेड गाइस काफी मतलब एक अलग सा ही फील आ रहा है। और रेड सिग्नल है फिर भी यार रोड वोड क्रॉस करके ऐसे निकल जाता है आदमी लोग। और हाईवे पे इसका गियर शिफ्टिंग करके इतना मजा आता है गाइस मत पूछो नेक्स्ट लेवल वाला मजा आता है। और देखो 100 to 103 में चल रहा है बट कुछ भी फील नहीं हो रहा है। बाकी का आप लोग गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना क्योंकि उधर पे आप लोग को रिसेंट अपडेट वगैरह मिलता रहेगा। और चलो जी भाई चलो चलो इधर पे बाइक तो रेडी हो रहा है। ओके तो गाइस
सब लोग आके पहुंच चुके बाइकर्स गली पे। इधर का सीन से एकदम से अलग होकर रखा है सबको इधर पे गाइस है। और बाइक जो है और कुछ ही देर में जो है हम लोग का बस अनबिन होने वाला है तो कुछ ऐसा है। और बाइक देखो गाइस कितना बड़ा लग रहा है देखने में, कितना ह्यूज लग रहा है। सो सारा को गाइस इधर पे है एंड अभी का जो टाइम हो रहा है वो मतलब लगभग 6:00 बज चुके हैं। अरे यार फुल जोश मजा आ गया है। बाइक कैसा बाइक कैसा लगा? बाइक गाइस हम लोग तो मतलब बाइक देख ही लिया इधर पे आके, अभी तो इधर पे मतलब पर्दा गिरा हुआ है। बट गाइस बाइक देख के दिल एकदम से खुश हो गया क्योंकि जो लग रहा है ना गाइस एकदम ही झूठ बात तो मैं कहता नहीं हूँ गाइस, वो भी बोल रहा है झूठ झूठ नहीं बोल रहा गाइस। आप लोग ही बताना, आप लोग ही मतलब बताना गाइस। और देखो इधर का सीन एकदम से अलग हो गया, मतलब सबको इधर पे वेट कर रहा है बाइक का अनवील होगा और बाइक का एग्जॉस्ट नोट वगैरह सारा कुछ सुनना है। दीदी भी इधर पे हम लोग का साथ। दीदी कैसा लगा आपको बाइक? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बेचारा को इतना टाइम बाद में। हां वही वही बाइक चलाने का भी मन कर रहा है एकदम एकदम। हम दोनों साथ में चलाएंगे बाइक, बस अब अनवील हो जाए दीदी भी चलाएगा सब कोई चलाएगा। और प्यार से इधर का सीन एकदम से अलग हो गया और काफी सारा बाइक इधर पे है। मेरा इधर पे रॉक का बाइक, इधर पे अपना डोमिनर 400 है, बॉबी का बाइक है, राज भाई का बाइक है, ये अमर भाई का बाइक। और इधर पे गाइस ये जो बाइक है आप लोग देखो अरुण फेवी, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। और इधर पे काफी सारा और भी मतलब बंदे लोग आए, मतलब काफी सारे यूट्यूबर्स आए इधर पे आए हैं गाइस। रॉक भी इधर पे मतलब आज डिलीवरी पे आया होता तो कैसा लगा ड्रीम बाइक पहले तो बाइक है। अरे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब आते समय मैंने चलाया था वो नहीं, इससे पहले कोई ऐसा बाइक, इससे पहले कोई भी नहीं चलाया था, फर्स्ट बाइक ये अंकित का ही चलाया था। नेक्स्ट लेवल वाइब देता है और काफी ज्यादा मस्त लगा। जो मेरा निंजा जो है ना वो तो नॉर्मल रोड में ठीक है बट ऑफरोडिंग में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, बट इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब पूरा सेटिस्फाई हूँ इस बाइक से। डिलीवरी होने वाला है बट एक चीज का हादसा हो गया था रोड पे, एक हादसा हो गया था जो बहुत ही बुरा हुआ था। जैसे जैसे करके हम लोग आ गए आज के दिन में यहाँ पे सर आपको एकदम उधर पे लाइव का, तो उन लोग को पता है क्या सिचुएशन उन लोग को फेस करना पड़ा था। बट जो भी बाइक आज एकदम हम लोग का सामने ताजा है तो करते हैं फटाफट बाइक को रिवील, क्या बोलते हैं? अरे जल्दी करते हैं। आदि भाई भी आया आज एकदम फुल तबाही, 2-3 मिनट में जो है बाइक अनवील हो जाएगा हम लोग का सामने। और सबको जो एकदम से मतलब मूड पे है कि बाइक को देखना ही है हम लोग को। और क्या सही लग रहा है बाइक इधर पे देखने में एंड क्या ही बताओ, बाइक देखो गाइस एकदम ढका हुआ है बट कितना बड़ा लग रहा है बाइक। सो आई गेस आप लोग थोड़ा सा गेस कर लेना इधर पे, व्हील देखिए आप लोग गेस कर लेना। वैसे तो गाइस आप लोगों को टाइटल थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि कौन सा बाइक है क्या है नहीं है। सो जो भी है गाइस सो मच एक्साइटेड। तो अंकित यस भाई करो कर दो काम कर दो अपना, सब दोस्त लोग चलो सब मिलके गाइस करेंगे बाइक को अनवील। ऑल सेट टू अनवील अवर ग्रुप प्लीज, जो कि इधर पे खड़ा हुआ है गाइस। और देखो सबको इधर पे है 1 2 3 मैं सपने भी देखे थे बैठ के क्लास में केक, लंबी सी गाड़ी और बड़ा सा घर, माँ बाप भी घूमे जहाज में, टेलिंग में नाज है सब कुछ पास है। एक टाइम पे ब्रोक थे बात वो पास्ट है, नाउ वी क्रॉसिंग द रोड क्लास में, जो मेरे सगे थे आज भी साथ हैं, अब मिलियंस ऑफ व्यूज। तो गाइस हियर इज अवर न्यू बीस्ट जो कि अनवील हो चुका है। OMG सब कुछ अब पास है, टाइम पे ब्रोक थे बात वो पास्ट है, नाउ वी क्रॉसिंग द रोड क्लास में, जो मेरे सगे थे आज भी साथ हैं अब।